तो मैं नहा धो के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। तो 4 बजने वाले हैं और सबसे पहले लगाऊं कि मैं अपनी, ये सोच रही हूँ पहले इसे निकाल दूँ। तो मंदिर मैंने सजा लिया है, अब देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मंदिर में मुझे ये चुन्नी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 9 बजे से और मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। एक्चुअली कल मेरी भतीजी का बेटे का बर्थडे था, तो मतलब रात को आए भी देर से, मतलब आ तो गए थे हम 9:30 बजे घर पहुंच गए थे, बट फिर खाना बना, मतलब अपने लिए बनाया, क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए, तो बच्चों ने तो खा लिया था बट मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे हल्का खाना था। तो मैंने घर आके अपने लिए खिचड़ी वगैरह बनाई और फिर बस अभी नहाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग बने रहिएगा। और मैं देख रही हूँ आजकल आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे पता नहीं। हालांकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है ब्लॉगिंग करने का, ब्लॉगिंग तो मैं फिर भी कर ले रही हूँ बट मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। अभी मेरी पिछली इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको मैंने एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैं नहा धो के ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जाऊँगी मंदिर। और मैंने रेड कलर का सूट डाला है, अभी मैंने अपना आउटफिट रेड रखा हुआ है, हालांकि मैं रेडी पहनने वाली हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरी जो दिख रहा अभी आपको, हाँ ये जो चूड़ियाँ हैं ये मेरी काम वाली देने दी हैं। और अपनी मेहंदी भी दिखा दूँ मैं आपको, और तो ये देने दी हैं और बहुत ही सुंदर लग रही है और मेरे सूट के साथ मैच भी कर रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये कांच की चूड़ियाँ नहीं है, ये एक्चुअली आपने सुना होगा बिहार में और राजस्थान में लाख की, ये वो जैसे मिट्टी टाइप की चूड़ियाँ होती है, मुझे पता नहीं है किस चीज़ की, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उस चीज़ की चूड़ियाँ हैं ये। तो ये मतलब जो मतलब मैरिड वुमन होती हैं, जो मैरिड लेडी होती हैं, ये मतलब बेसिकली उन्हीं के लिए होता है ये, मतलब और वैसे नहीं पहन सकते हैं। तो ये उन्होंने मुझे आज करवा चौथ के लिए, करवा चौथ पे दिया है और ये मुझे पसंद ही आई है, आप देख सकते हैं। और एक दूसरे भी दिए हैं, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और एक ये भी दिए हैं, ये भी अच्छे लगे मुझे, दिख सकते हैं। दिखते ही नहीं है, दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो ये भी अच्छे लगे मुझे और ये काफ़ी हैवी होते हैं, पहनने में भारी से लगते हैं, बट ये है कि अगर ये कहीं लग गए तो ये भी वैसे ही हैं, मतलब मिट्टी के ही बोल सकते हैं इसे, लाख के अगर ऐसे गिर गए या फिर कहीं पे लग गए तो ये एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। तो देखो भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी चूड़ियों के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जाते हैं मंदिर। माता रानी के दर्शन करने के बाद तो जैसे ही मैं आ रही थी तो दी ने मुझे रोका और मुझे श्रृंगार का सामान दिया और माता रानी की चुन्नी दी और उसे लेके फिर मैं घर आई। तो 4 बजने वाले हैं, तो तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ।
इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, आज मैंने कोई क्रीम भी नहीं लगाई, सनस्क्रीन नहीं लगाया, मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, क्योंकि फास्ट के दिन मुझे इन सब चीज़ों से एलर्जी है। वैसे नॉर्मली और दिनों के लिए तो है ही, बट फास्ट के दिन थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसकी स्मेल से मुझे हेडेक वगैरह हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई रिस्क लूँ, और देखती हूँ मैं और मैं क्या कर सकती हूँ। अभी मिलती हूँ मैं आपको। और सबसे पहले लगाऊं कि मैं अपनी, ये सोच रही हूँ पहले इसे निकाल दूँ, अगर मैं इसे निकाल पाई तो, वैसे पॉसिबल लग तो नहीं रहा। हाँ निकल गया। रेशु लिपस्टिक की कमी है, बट और ये सुंदर सा गजरा, ये सुंदर सा गजरा मेरे पति देव लेके आए मेरे लिए। आहा क्या खुशबू है, ये तो मेरे बालों पे आ ही नहीं रहा यार, छोटा हो गया तो क्या करूँ मैं इसको, इधर से लगाऊँ? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मंदिर में मुझे ये चुन्नी और सिंदूर दिया गया था, तो मैं, ये माता का आशीर्वाद है जो माता ने मुझे दिया है, तो मैंने इसे अभी उड़ा हुआ है, जब तक मैं पूजा करूँगी तो इसे उड़ूँगी, और आप लोग बने रहिएगा। आ गई हूँ, तो खाना मेरा बन चुका है, पूजा मेरी हो चुकी है, अब है चांद की बारी। तो फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ। शाम को जब मैंने पूजा की थी तो मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, मैंने मतलब बताया था आपको कि मैं क्रीम भी नहीं लगाई थी, मतलब मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं, कि मैंने थोड़ा सा मुझे स्मेल की प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था, खास करके फास्ट के टाइम। तो अब करते हैं स्टार्ट अपना लिप अप पोती, तो आपको मिलती हूँ मैं मेकअप के बाद, ठीक है? तब तक आप लोग वेट कीजिएगा। तो चांद आ चुका है, अब हम करेंगे चांद की पूजा, और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं लगभग, 9 बजने को सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं।